हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीएससी परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वेली हैं और ई श्रम का काम किया है तो आपको भी पेमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि सीएससी हमारी पता नहीं किस हिसाब से पेमेंट दे रही है। तो ये पेमेंट अपडेट रहेगा, और जिन वेलियों का पेमेंट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वो कैसे आएगा, इसी के बारे में डिटेल्स रहेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा मैं ऐसे ही पेमेंट रिलेटेड पीएमजी दिशा ई श्रम आयुष्मान से वीडियो लाता रहता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों, हमारा एक दूसरा चैनल है डिजिटल परिवार, तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है बहुत ही जल्द सबके चैनल जो है टर्मिनेट कर रहा है। इसी को देखते हुए हमने दूसरा चैनल भी ओपन कर लिया, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें भी। तो सभी लोग जाकर के हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें, तो हम वहाँ पे सीएससी से अन्य रिलेटेड जो वीडियो होती है ऑनलाइन, और बहुत सारी विभिन्न की योजनाएं, जो भी योजनाएं भारत सरकार की चलती, ऐसी वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो दोस्तों उसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले, जो हमारे वेली भाई हैं और ई श्रम का काम किया हुआ है, तो उनके लिए मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो पीएमजी दिशा का पेमेंट था अभी कुछ टाइम पहले ही आया था, और उस टाइम पे हमेशा ई श्रम का पेमेंट आता था, मगर अब की बार ऐसा नहीं है। उसने केवल ई श्रम का पेमेंट दिया, और काफी ज्यादा मात्रा में दिया है। मतलब अगर आपने 4000 कार्ड बनाए हैं तो आपको आधा पेमेंट करीब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट भी दे रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है आज 2 तारीख को अभी सभी डीजीपे में आया हुआ है। ये लॉट 6 का पेमेंट है, और अभी तक ये नवम्बर का पेमेंट चल रहा है, दिसंबर का भी पेमेंट है। तो यही अपडेट थी। मतलब दोस्तों, ये जो पेमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, किस हिसाब से दे रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, एक साथ पेमेंट क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। तो हालांकि जो ई श्रम का काम है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो ही गया है, बहुत ही जल्द सभी लोगों ने टारगेट पूरा कर लिया, बट उसके बावजूद पता नहीं क्यों सीएससी पेमेंट देना ही नहीं चाह रही है, थोड़ा थोड़ा पेमेंट दे रही है, पता नहीं क्या कारण है। तो दोस्तों, जिन लोगों का पेमेंट नहीं आया हुआ है, उनका पेमेंट आने के कोई ऐसी कोई ट्रिक तो है नहीं, बट आप एक काम कर सकते हैं, अपने सीएससी पोर्टल में जा करके टिकट जनरेट करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। 2 से 3 दिन में आपको जरूर आंसर मिल जाएगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपका ई श्रम का पेमेंट फंसा हुआ है, और अगर आया है पेमेंट तो आपका कितना पेमेंट आया है, किस कार्ड के हिसाब से आया हुआ है। बाकी तो 14.4 रुपए पर कार्ड से पैसा आता है ई श्रम का, तो सीएससी इतना ही देती है। बोली तो 16 रुपए थी, बट अब इतना दे रही तो क्या करोगे। तो दोस्तों, बस यही अपडेट थी ई श्रम को लेकर के। दोस्तों, चैनल पे बने रहें ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेज पाने के लिए। तो धन्यवाद।